नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्र, वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए आपके लग्नेश, आपके राशि शुक्रदेव। शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं ब्रह्मांड के जो राजा हैं सूर्य नारायण की सिंह राशि में। कुछ आपको फालतू आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मैं इस समय भ्रमण पे हूँ, पब्लिक फेस पे वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप अपने स्टूडियो में होते हैं, रूम में होते हैं, तो फालतू आवाज़ें नहीं आती हैं, आप सबको रोक नहीं सकते, है ना। तो आशा करता हूँ आप इसको नॉर्मल ढंग से लेके चलेंगे। वृषभ भगवान शिव की अत्यंत प्रिय राशि, वृषभ मतलब बैल, जिम्मेदारी को लेकर चलने वाले, मेहनत करने वाले लोग, परिवार के प्रति समर्पण जो होता है ना वृषभ में होता है। वृषभ मतलब बैल, बैल की तरह हैं आप, बैल की तरह मतलब जिम्मेदारी लेके चलने वाले मेहनती लोग हैं। सूर्य के राशि में जा रहे हैं शुक्रदेव, इसका सीधा सा मतलब है कि आप सीधे साधे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नंदी जैसे नहीं रहेंगे इस समय। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो सींग भी मारेंगे, लात भी मारेंगे, तेज रहेगा। मन में जो थोड़ा सा क्षोभ था ख़त्म हो जाएगा, मन में संदेह या मन में डर था। परिस्थितियाँ हमें डराती हैं, परिस्थितियाँ डर उत्पन्न करती हैं, कोई डरना नहीं चाहता, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। अब आपके लग्नेश का, आपके राशि का सुख के घर में गोचर करना बेहतरीन परिणाम देगा। कहाँ, कैसे, कब, कितना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए, टू द पॉइंट, चंद मिनटों में। शुक्र लक्ष्मी पुत्र हैं, क्या हैं, लक्ष्मी पुत्र हैं, अतः शुक्र का गोचर आपके सुख के घर में लक्ष्मी देने वाला। सुख के घर में लक्ष्मी देने मतलब क्या होगा, सुख देखो सुख का कारक है, शुक्र सुख का कारक है, तो सुख मिलेगा, पारिवारिक जनों से सुख मिलेगा। परिवार में जो तनाव चल रहा था ना, खींचातानी चल रही थी, वो खींचातानी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। घर का कुछ अगर आप मेंटेनेंस करना चाहते हैं ना, कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो डेकोरेशन करने का टाइम यह चल रहा है। चूँकि मघा नक्षत्र से स्टार्टिंग करेंगे और एक वर्ष बाद राजा के घर में जा रहे हैं। देखो सिंह राशि किसकी राशि है, राजा की घर है, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट पे सुख का प्रभाव लेके चल रहे हैं, लेकिन है तो राजा ही ना, और राजा राजा होता है भाई। तो बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब अगर आप डिज़ाइन भी करना चाहते हो तो बेहतरीन, घर का डेकोरेशन करना चाहते हो तो नॉर्मल नहीं चलेगा, नंबर वन वाला चाहिए। तो उस तरह की सारी चीज़ें करते हुए आप जा रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मघा का मतलब होता है शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली नक्षत्र, जो ट्रेडिशन को लेकर चलता है, जो कुल परंपरा या वैल्यू, जो एक वर्ड है ना, वैल्यू, वैल्यू को लेकर चलता है। इसलिए जो भी कुछ करेंगे बड़ा लेवल पे करेंगे। पूर्व फाल्गुनी शुक्रदेव का स्वतः का नक्षत्र है, सुंदर फल मिलेगा, सर्वाधिक सुंदर फल पूर्व फाल्गुनी में मिलेगा। उत्तर फाल्गुनी सूर्यनारायण का नक्षत्र जो सुख के घर में और पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो सुख की प्राप्ति भी होगी और प्रेम की प्राप्ति भी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपके सूर्य नारायण अपने से 12वें हैं। मान लीजिए आपके घर का जो मेन सदस्य हैं वो कहीं दूर चले गए हैं, घर में आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई और आपका महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण रिश्तेदार, महत्वपूर्ण दोस्त आके चेयर पकड़ ले, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, देख लूँगा, तो कमी नहीं खलती। तो अभी जो आप घर से दूरी बन रही थी, घर में तनाव बन रहा, तो वो तनाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ध्यातव्य ये भी रहे कि 3 तारीख के बाद, हालांकि यह पॉइंट अलग है लेकिन मैं आपको इसमें समेट देता हूँ, सूर्य नारायण जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो नक्षत्र बांधता है, वो नक्षत्र खींचता है। तो प्रेम में पड़ के किसी के साथ वादा मत कर लेना, होता है ना, क्रोध में रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए और प्रेम में लंबे लंबे वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस समय मस्तिष्क काम नहीं करता, हृदय काम करता, और हृदय तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से जो गोचरी स्थिति है सुख की वृद्धि कर रही है। आपके घर में माता की सेहत में थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जातकों के लिए देखो मित्र, होता क्या है कि शुक्र खष्टम भाव का प्रभाव जरूर देते हैं, छठवें का प्रभाव जरूर देते हैं, तो द्राम द्रीम द्रोमसा शुक्राय नमः का जाप करते रहना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। गाय को गुड़ रोटी अगर आप नहीं खिला रहे हैं तो प्लीज़ खिलाइए, और अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखिए। 3 तारीख से 15 तारीख का जो दिन है ना, यहाँ तक माँ की सेहत पे विशेष ध्यान आपको रखना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मम्मी को नसों से संबंधित परेशानी आ रही है, सेहत में उनकी गिरावट आ रही है।
यद्यपि आप गोचरी स्थिति है, जरूरी नहीं है कि वर्षा हो रही है। कल रात हम दबा के भी गए, 2 घंटे यात्रा में थे और संयोग से हमारे पास टूल व्हीकल ही है, मतलब 4 पहिया नहीं है, 2 पहिया ही है, तो दबा के भीगे 2 घंटा। अब कुछ लोग उसमें नहीं भीगे, हमने तो आनंद ग्रहण किया। तो परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, उसको कैसे आप उपयोग कर सकते हो। चाकू होता है ना, डॉक्टर के पास हो फाड़ के आपकी ज़िंदगी बचा लेगा, डाकू के पास होगा काट के जीवन ले लेगा, महिला के पास होगा, घर गृहिणी के पास होगा तो सब्जी बना लेंगे। तो परिस्थितियों को सदैव अनुकूल करने की कोशिश करिए, अनुकूलन होगा, जीवन में निरंतर विकास होगा। शुक्र के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। माँ का विशेष ख्याल रखिएगा, घर में माहौल अच्छा रहेगा, वर्क प्लेस पे भी ठीक ठाक होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ मम्मी के सेहत को छोड़ के बकाया कोई दिक्कत नहीं। अगर तनाव है तो क्या करिए, उपाय भी बता देता हूँ ना, करना क्या है भाई। तो यहाँ पे आपको भगवान शिव का महा चल रहा है, मैं आपको शिव मंदिर के पास ही भगवान शिव, ठीक है ना, इन्हीं के मंदिर के पास से आपको बेटा दे रहा हूँ। तो कुसा आता है, कुसा, कुसा को लीजिए, उसको मिक्सर में पिसवा लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए और वो उसी जल से अभिषेक करवाइए मम्मी के नाम से। मम्मी बिल्कुल राधे राधे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे करते रहना।